बताए आपसे आपसे बढ़िया महिला तो कोई देखी नहीं, बोले इनको संभालने के लिए ऊपर वाला है। गजब है भाई जी जनाब। कहाँ से आना हुआ? नागपुर से। नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है साहब आपका? संजय सिन्हा है जी। संजय जी बहुत बहुत अभिनंदन हमारा कार्यक्रम हमारे बीच में लेने के लिए, जहाँ बहुत बहुत शुक्रिया मौका मिलता है जी। पहले तो मैं वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट यहाँ पेश किया। भाई एक मिनट, विपक्ष के सारे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सारा शोर शराबा सड़क पे करते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन आप संसद भवन के उद्घाटन पे नहीं जाते हैं, आप यहाँ की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसका बहिष्कार करते हैं, आप नीति आयोग में नहीं जाते हैं जहाँ बदलाव हो सकता है, अगर आप वहीं जाने से बहिष्कार कर देंगे तो आप किस तरह बदलाव करेंगे, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। आप सबसे जान, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर हर जगह बहिष्कार करेंगे, हर जगह बहिष्कार करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर आप कैसे कंस्ट्रक्टिव और किस तरह से प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं देश को आगे बढ़ाने की, ये मैं जानना चाहता हूं। आपका आपका नाम है? संजय सिन्हा। संजय सिन्हा जी, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं जी। कांग्रेस पहले देखिए, हमारी तो कंस्ट्रक्टिव ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव सोच ही है, लेकिन जब बार बार सामने बैठे वाला आदमी पेसिमिस्ट हो, नेगेटिव और नकारात्मक सोच रख के पहले से ही बैठा हो, जिसने पहले से ही पॉलिटिसाइज कर लिया हो कि मुझे केवल अपने जो एनडीए के राज्य हैं वहीं पर हमें बजट पेश करना है, वहीं पे लोगों की मदद करनी है, अपनी सरकार को बचाना है, जहां विपक्षी सरकार है, विपक्षी सरकार के साथ तो ये 10 साल से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप देखिए, इन्होंने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर देश में मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी पार्टियों को, प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी के चलते चुनाव में अकाउंट तक फ्रीज किए थे, आप सब लोगों ने देखा। तो ये कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, और बार बार जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो ऑपोजिशन के हैं, वो कितनी बार आयोग की मीटिंग में गए हैं और अपना पक्ष रखा इनका, है। इनका आरोप, प्रमुख आरोप ये है, कौन बोलना चाह रहा है? आप पहले आप खड़े होंगे और पहले तहजीब के साथ बैठो, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, चुपचाप खड़े रहना। इनका एक आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं देते, समान रूप से, समान तरह से। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो विपक्ष अपनी आवाज उठा सकता है, विपक्ष अपनी बात कह सकता है, विपक्ष को बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। पहला सवाल का जवाब भी आप देंगे। देखिए, कांग्रेस के दो बड़े नेता, आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में, एक मिनट, झंडा ऊपर रखो, अगर नहीं उठा सकते तो नीचे मत लाया करो, ऊपर रखो झंडा। कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी दोनों ईडी के केस में जमानत पर चल रहे हैं। इस ईडी का केस हमने नहीं किया है, ये कोर्ट में हुआ है। किया किसने है? इस देश के आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, संस्थापकों ने केस किया कि 5,000 करोड़ का माल 50 लाख में माई बेटा हड़प रहे। ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों पर वारंट इशू हुआ, अब दोनों बेल पर चल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या लेना देना? दूसरा बात, इस देश के इनकम टैक्स के रूल में अगर आप समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे आपका अकाउंट फ्रीज होगा, आपने समय पर टैक्स नहीं दिया आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, इससे हमारा क्या लेना देना? दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे महंगाई पर, महंगाई के डाटे आप उठा कर देखिए ना भाई, 220% हमारे पूरे टाइम में महंगाई इन्फ्लेशन रेट 5% से नीचे रहा है, दलहन और तिलहन को छोड़ दे तो 2 बार 22% इन्फ्लेशन रहा आपके रेट में। दूसरी बात, जो ये दावा कर रहा है, चूंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में सीधे सीधे ये सलाह दी गई कि खाद्य वस्तुओं का जो इन्फ्लेशन है उसको अब इन्फ्लेशन से बाहर ही कर दिया जाए, उसको जोड़ा ही ना जाए, ये विचार चल रही है अगर सरकार के भीतर, तब तो फिर हम लोगों को कभी भी महंगाई नजर नहीं आएगी आंकड़ों के भीतर। अभी इन्होंने डीजल पेट्रोल को लेकर बात की कि कितने पे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने डीजल पेट्रोल का दाम छोड़ा था 2014 में कितने पे पहुंचा और आज कितने पे पहुंचा। अरे कम से कम आधा सच बताता है, पूरा सच भी बता दिया कीजिए कि $140 प्रति बैरल पे उसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, आज आप $7 प्रति बैरल पे आप ये रेट बना के रखे हुए हैं। आगे का ले लीजिए ना भाई, कि आपने लगातार जो ड्यूज रखा था अलग देशों का उसको हमने चुकता किया है, आपके पास गड्ढे को भरा है, रिजर्व ऑयल पूरा किया है, आपके समय एक हफ्ता का गोला बारूद नहीं था, भर करके रख दिया। पूरा सच नहीं, ऑयल बॉन्ड कितने करोड़, कितना लाख था आपका? 7 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड था, और आपने 2022 तक में ही आपने 30 लाख करोड़ रुपया, 30 लाख करोड़ आपने जो है कि 2022 तक में ही जमा कर लिया। 7 लाख करोड़ का मतलब है 7 महीने की पूरे देश की कमाई इन्होंने कर्ज में डाल रखा था, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को पेट्रोल में कुछ सब्सिडी दे दें। अरे हमें इस देश को इंडिपेंडेंट बनाना है, और बीजेपी गवर्नमेंट का जो मुझे लगता है विजन ये है कि सरकार का काम सरकार चलाना है, व्यापार चलाना नहीं है, गवर्नेंस करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, बस यही वजह है कि बीजेपी ने अपना लेवल बराबर किया। और बात है इनकम टैक्स की, कांग्रेस
कांग्रेस गवर्नेंस करेंगे तो सबसे पहले महंगाई कम करिए और बेरोजगारी कम करिए। यहाँ खड़े आपके दर्शक प्रतीक जी, आपका शो दर्शकों का शो है। मैं आज आपको आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये भाजपा के जितने प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं, एक बार आप हाथ खड़े करके पूछ लीजिए कि 10 साल में महंगाई कितनी है। महिलाओं से पूछ लीजिए किचन उन्हें चलाना कितना दुभर हो रहा है। बेरोजगारों से पूछ लीजिए क्या रोजगार है, बताइए रोजगार है। आप देखिए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। रुको, तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं आऊंगा आराम से। बहुत अच्छी बात है ये, मैं रखने को दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इस देश ने हाथ नहीं खड़ा करवाया। कुछ दिन पहले कहा कि वोट डाल दो, कुछ दिन पहले कहा कि वोट डालो, तो वोट डाला। रिएक्शंस हैं, कुछ इधर के रिएक्शंस हैं, कुछ उधर के रिएक्शन। हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। इस देश ने अपने हिसाब से तय किया। मैं पहले इधर नवयुवक से, नौजवान कहां से आना हुआ? सर मैं धनबाद से हूं, मेरा नाम आकर्ष जयसिंह हुआ। ठीक है, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता। क्या काम करते हो बेटा? मैं सर एक स्टूडेंट हूं और जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। कौन से एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो बेटा? SCGL के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, देश विदेश तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, काफी अच्छा उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में काम भी किया है। बट जो उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड जो उन्होंने उद्घाटन किया, जो काम उस पर कर रहे हैं, बट उस पर हेल्थ फैसिलिटीज मिल नहीं पा रही है। वो कार्ड तो ऐसे अप्लाई हर जगह होता है, बट उस पर कोई हेल्थ सुविधा मिल नहीं पा रही है। मैं मोदी जी का दिल से इज्जत करता हूँ, बट कुछ कुछ जो चीज खामियाँ हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहिए कि उनके हिसाब से इंसान बीमार नहीं होगा। ठीक है, इंसान अगर बीमार है, अगर 5 लाख की उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए तो उन्हें मिलनी चाहिए। ये मैटर नहीं करना है गले से ऊपर का इलाज है, गले का नीचे का इलाज है। आपका नाम हो गया आकर्ष जैसे। आकर्ष, ये कुछ दायरे जो उसमें कवर कर रहे थे, जब उसका रिव्यू हुआ तो कुछ दायरों को बढ़ाया गया, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस वजह से कि आयुष्मान कार्ड के बारे में ये कहा गया कि जो 60 से ऊपर है उनको ओपन कर दिया जाए। दूसरी बात, अभी एक बजट के बारे में कहा गया आयुष्मान कार्ड का, ये मांग होनी चाहिए जनता की, और ये मांग बिल्कुल सही है और जायज है कि आयुष्मान कार्ड की दायरा बड़ा किया जाए। आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों को, आप तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, मैं तो इसके आगे जोड़ता हूँ, इस देश में दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। दोनों चीजें, पहली चीज मेरी बात सुन लो, पहली चीज स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों का दायरा बड़ा किया जाना चाहिए और जन जन तक पहुंचे स्वास्थ्य। ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी तक स्वास्थ्य, जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचे तब बात बनेगा। जी ठीक, कहां से आना हुआ? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? छत्तीसगढ़ से। क्या नाम हो गया? विपिन चौधरी। विपिन चौधरी कैसे आए इधर? मैं घूमने आया था। उन भैया को मेरा जवाब है। कौन भैया? ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, 2013 में मैं पेट्रोल 82 रुपए में डलवाया था, आज कितना है? 102 रुपए। कितना फर्क पड़ा? 20 रुपए। साल में खाली 2 रुपए ऊपर बढ़ा है। अब ये कहेंगे ट्रकों पर भार बढ़ गया है, ट्रकों को सरकार ने 5 टन का एक्स्ट्रा लोड दिया है। दूसरा चीज, इस देश की अर्थव्यवस्था भैया सरकारी नौकरी नहीं चलाती है, व्यापारी चलाते हैं। तो बात चलेगा व्यापारियों पे, दायरा बढ़ेगा व्यापारियों का। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने PABL लाया है, आपको तो फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, है तो बोलिए, दीजिए फुल फॉर्म, दीजिए PABL का। अरे कोई बात नहीं, PABL का फुल फॉर्म है प्री बिजनेस अप्रूवल लोन। व्यापारियों को 15 लाख तक के बिना किसी गारंटी के लोन दिया गया है, मेरी तरह कई लोग को दिया गया है, और आज उसको दायरा बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया है। जो व्यापारी पक्का टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, उनको 50 लाख दिया गया है। ये बोलते बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी मत जाइए भैया, व्यापार कीजिए, व्यापार समंदर है, सरकारी नौकरी डबरी है। जो घर से रुको 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 रुको, अरे भैया व्यापार व्यापार भैया इधर इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, जादू यहाँ हो रहा, वहां नहीं जाओ, पीछे ना जाओ, ये गलत बात है, इशाराबाजी नहीं, नहीं गलत बात, इट इज नॉट टॉलरेबल। मैं पूछूंगा नहीं, पूछूंगा, मुझे मालूम है, अनटॉलरेबल अनटॉलरेबल। जल मैंने देख लिया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज, अरे मैं हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ, मैं हूँ।